ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइबिंग के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लाइन सफारी में शेरों के कुनबे को बढ़ाने के लिए गुजरात के चूनागढ़ से 7 शेरों को लाया गया है। चूनागढ़ से इटावा तक के शेर 17 घंटे का सफर करके आए हैं। चूनागढ़ से शेरों के आने के बाद सफारी में शेरों की संख्या 15 हो गई है। नेशनल जू अथॉरिटी के मुताबिक शेरों की संख्या अब पूर्ण रूप हो जाने के कारण सफारी को आम आदमी और पर्यटकों के लिए जल्द ही खोल देने की उम्मीद की गई है। लायंस क्लब प्रशासन सूत्रों के हवाले से गुरुवार को बताया गया कि इटावा लायंस सफारी में शेरों की संख्या 8 थी, जो कि नेशनल जू अथॉरिटी के अनुसार पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण लायंस सफारी को खोलने के लिए परेशानी आ रही थी। इसलिए शेरों की संख्या को पूरा करने के लिए गुजरात के चूनागढ़ से शेरों को लाया गया है। बुधवार देर रात शेर इटावा सफारी पहुंचे। सफारी में शेरों की संख्या अब 15 हो गई है, जो कि नेशनल जू अथॉरिटी के मानक अनुसार पर्याप्त है। इसलिए अब लायंस सफारी को जल्द ही खोल ले जाने के लिए हरी झंडी दी जा सकती है।